गंगा और घाघरा में बाढ़ खत्म होने के बाद भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं, क्या है मामला आइए दिखाते हैं आपको पूरी न्यूज में। जी हां, बलिया जिले में गंगा और घाघरा में बाढ़ खत्म होने के बाद भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। गंगा और घाघरा की बाढ़ के बाद अब लोगों को घाघरा नदी से हो रहे कटान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घाघरा नदी के किनारे बसे गांव को नदी की कटान के चलते दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की उपजाऊ जमीन घाघरा नदी में जलमग्न हो गई है। घाघरा नदी में उफान से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। घाघरा नदी के बढ़ाव से काफी सब पानी सड़कों और गांव तक पहुंच रहा है, जबकि इस समस्या को लेकर बाढ़ प्रखंड विभाग का दावा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट इंडिया समाचार से। मैं सहायक अभियंता तृतीय बाढ़खंड बलिया, मेरा नाम अमृत लाल है। जी सर, जिस तरह से घाघरा में बढ़ाव देखा जा रहा है और गंगा में घटाव देखा जा रहा है, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? अभी देखिए, जो मेरी रीच है 52 से 77 किलोमीटर तक घाघरा की, वहाँ पे स्थिति अभी सामान्य है। कटान की कोई स्थिति वहाँ पे भी है नहीं। और जहाँ तक घाघरा में बढ़ाव की बात है, तो कल से अभी आज तक सुबह 8 बजे तक घाघरा अभी स्थिर है, 64.63 मीटर पे अभी वो स्थिर हैं। तभी बढ़ाव की स्थिति दर्ज नहीं की गई है। 10-15 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ी थी, तो बट उसे अभी भी स्थिति सामान्य है और कटान की कहीं कोई स्थिति नहीं है घाघरा में। बेलतरा साइड में जो रोड है और गांव में है, पानी काफ़ी भर गया है घाघरा की वजह से, तो क्या कहीं खतरा भी है क्या? नहीं, जैसे अब नदी का जलस्तर बढ़ने से क्या है कि पानी थोड़ा सा गांव में या रोड पे कहीं पे जा सकता है, लेकिन अभी वहां पे भी कटान की कोई स्थिति नहीं है। यदि ऐसी स्थिति कहीं से आती है तो अपरिहार्य स्थिति में विभाग पूरी तरीके से सक्षम है कि उस स्थिति को हम लोग नियंत्रित कर लेंगे। तो जिस तरह से अब गंगा में घटाव हो रहा है, घाघरा में धीरे पानी कभी बढ़ रही है घट रही है, समांतर हो जा रही है, तो क्या इसके लिए विभाग किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, हमने जगह जगह पे बोरियां भर के रखा हुआ है कि अगर पानी ग्राउंड लेवल से अगर नीचे आता तभी कटान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है कि हमने 2-3 जगह पे 10 से 15 हज़ार बैग भर करके रखवाए हैं कि अगर वैसी स्थिति आती है तो हम उससे पूरी तरीके से निपटने में सक्षम हैं। और हमारे सभी जेई वहीं पर कैंप कर रहे हैं, मैं स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहा हूँ और हम लोग पूरी तरीके से उस पर सतत निगरानी, 24 घंटे हमारी निगरानी है वहाँ पर बंधों पर, तो बंधे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बाढ़ में परेशानी बा, हम विधानसभा में भी उठौले रहिए बाढ़ के समय, अरे बाढ़ के भी उठौले रहिए कि 10 तोड़े के लिस्ट दे दिए, आ सरकार कहले कि वो बनाओ तनी तो बनाओ तनी, अब ओकर समय बीता तो अभी बांधो ना बनो। बाढ़ के बहुत हालत है विधानसभा में, तब एगो गांव में देखल कि थोड़की सब तेल लेकर पहुँच रहा, हम लोग सबके दुख में शामिल बानी, हमारा के लोग एमएलए बनौले बानी, एक खातिर वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और रउे सब आशीर्वाद दे के हमके नेता के रोटी बन पाए, खातिर बहुत बहुत रउआ सबके धन्यवाद, आशीर्वाद रउआ सबके बना रही। हम रउआ हर दुख में जितना हमार शक्ति रही आ जले जियो, रउआ सबके दुख सुख में शामिल रहो आ जीवन मदद करे बहुत बहुत।